इस साल का रिपब्लिक डे ऋतिक रोशन की जिंदगी का सबसे बड़ा अग्निपथ रहा। ऋतिक्स फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा इज विनिंग एक्लेज फ्रॉम द इंडस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ अवार्ड्स और उनकी एक और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। अग्निपथ इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री नाउ आफ्टर अमासिंग 25 करोड़ ऑन डे वन बिगेस्ट एवर ओपनिंग। इसने बॉडीगार्ड के 21 करोड़ के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। ऋतिक के अलावा एक और इंसान है जो सातवें आसमान पर है एंड दैट मैन इज करण जौहर। उनकी ये फिल्म एक ट्रिब्यूट थी अपने पापा यश जौहर के लिए जिन्होंने ओरिजिनल अग्निपथ अमिताभ बच्चन के साथ बनाई थी। दो द ओरिजिनल अग्निपथ बिकेम अ कल्ट ओवर द टाइम, लेकिन जब ये रिलीज हुई थी उस समय इट वाज अ बॉक्स ऑफिस डिजास्टर। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि करण जौहर कहते हैं कि जैसे फिल्म में विजय दीनानाथ चौहान अपने बाप का बदला लेता है, वैसे ही इस फिल्म के हिट होने के बाद करण ने ऑडियंस से अपने पापा की फ्लॉप का बदला ले लिया। करण कैन सर्टेनली रिलैक्स एंड क्रैक जोक्स, और क्यों नहीं, जनता के दिल को खुश करना एक अग्निपथ ही है और इस पथ को करण जौहर की फिल्म अग्निपथ ने बखूबी पार किया। लेट्स वेट कि फर्स्ट डे रिकॉर्ड के अलावा और कोई रिकॉर्ड भी ये फिल्म तोड़ती है कि नहीं। 9XM हक से।